मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल करूं। पुलिस पोस्ट में तुम्हारी लाइफ का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ वो दिन देखना है सर, जिस दिन इस देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसे किसी बात का वो दिन देखना है सर, जिस दिन भारतवर्ष इस पूरे विश्व में बहुत ही मजबूत ये कहूं कि कुछ लोग इस कुर्सी को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। चंद लोग जो कुछ चाहते हैं सबको मानना, वही सरकार की नीति बन जाए। अगर हमें इसे बदलना है तो लोगों की जानों को समझना, क्योंकि लोहा ही लोगों को बनता है। हमें अपने हाथ की कठपुतली बनाकर अपनी जान क्या हमें कम करना है, हम भी तो उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाकर अपने इशारों को बदल सकते हैं। अगर तुम्हें अपने और मेरी इरादों को देखना है तो आज के बाद ये करना We have something very special for you in our entertainment section. Rustam Ji and Company, one of the leading music companies in music, is now collaborating with Franklin Music to form Franklin and Company. Is company ka main aim hai to promote young and talented singers. Ab kya problem hai? Agar hum log Franklin Music Company ke saath 5 saal ka music contract sign karte hain, to why sounding aise apne baap kya hai Kajal? And don't forget तुम्हारे कहने पर ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। No. Now I feel like we should never have signed that contract. छः बार शावक रुस्तम जी ने हमें फोन करके बुलाया। At least we can go and meet him. इसमें हमारा ही भला है। My foot. शावक रुस्तम जी हमारे साथ जो भी डील करेगा उसमें उसी का फायदा है। He's not a fool. And what does he know about us? बस दो मिनट हमारा गाना सुन लिया and he signed us for 5 years. Because we are talented. Huh? Signed us because we have no value. समझे? मैं तो पहले से कहा कि contract sign मत करो। यार 5 साल का contract और सिर्फ 5,000 रुपए? 1 साल का 1,000? 1 महीने का 83 रुपए divided by 4 20 रुपया 12 20 रुपया 12 आने per person। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़ी बातें, इमोशन, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस, हार्डवर्क, व्हाट? टेल मी, 3 साल से सुनती आ रही है सब, बकवास है ये सब, 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। बकवास? तुम्हें सबको बकवास कहती हो? और नहीं तो क्या दूंगी? भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गया हम लोग? भाई के भाई, भाई के लिए तो कितना अच्छा है, उसको हम लोग की तरह गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ता। जानता हूं हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मगर तुम ही सोचो श्यामक रुस्तम जी हमें एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर नोबडी। बस एक बार, सिर्फ एक बार हमारा एल्बम रिलीज हो जाए, देन वी बी ऑन द टॉप, एंड उस वक्त हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगी, पता है तुम्हें? हाय जी, वे संभल जाएंगे हम सबके सब एक दिन, यही बीमारी होगी। इसका यही एटीट्यूड, यही नेगेटिव एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें इतने ही प्यारे पैसे थे तो छोड़ के नहीं देती हमारा भाई, जैसे माइक ने छोड़ दिया था। छोड़ दो, तुम क्यों नहीं छोड़ देते? अरे स्टॉप पार्टी लाइक दिस। काजल कहाँ जा रही है? इमाम सुन, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो। ये सब झूठ है सर। यू थिंक सो कि इमाम ऐसा कुछ कर सकता है? सर पता है सर,
मैं जानता हूं कि इमाम को फंसाया गया। Then what's the problem? Maybe you think that you are also involved in all this. But we are not, sir. We are clean. Quite simply done. हमने तो साल में बहुत मेहनत कर चुके हैं और आप ही ने तो हमें ये मौका दिया था सर, पर अगर आप ही अगर हमें उसे रोके, मैं आज भी यही कहता हूँ कि तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, इनफैक्ट औरों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड। मैंने हजारों सिंगर्स के ऑडिशन डेमो टेप सुने लेकिन उनकी म्यूजिक में वो बात नहीं जो तुम्हारी म्यूजिक में। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पर्पस है, मकसद, और यही पर्पस तुम्हारी म्यूजिक का सोल है। और शायद इसी में लगे मेहमान चौपाटी से उठाकर यहाँ लाए। मेरा भी एक पर्पस है तुम्हारे जैसे यंग टैलेंट को प्रमोट करना। तुमने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी। मेरा पर्पस है यंग टैलेंट को प्रमोट करना। प्रमोट? एंड दिस बिजनेस ऑफ प्रमोशन मींस इमेजिंग। इमेज? आज इस मार्केटिंग की दुनिया में लोग म्यूजिक नहीं, म्यूजिशियन की इमेज को खरीदते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैडोना बहुत अच्छी सिंगर है? नहीं, लेकिन उसकी इमेज लार्जर देन लाइफ है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे रॉक बैंड में यूनिक इमेज में सबसे अलग, सबसे हटके निकलेगी, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए कोई और ही इमेज बनाई। एनीवे, स्ट्रेट नो सर, प्लीज अगर कुछ आगे चल के कुछ हो सकता है। एक्चुअली वी आर रियली वेरी क्रिएटिव सर, प्लीज कट आउट दिस इमोशनल वन लाइन। और तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ कौन क्रिएटिव नहीं है? तुम्हारे आसपास लाखों ऐसे लोग हैं जो शायद तुमसे कहीं ज्यादा क्रिएटिव। But so what? कौन जानता है उन्हें? Remember one thing, sir. Nobody is able to package, marketed, promoted, and finally sold creative. That means me. I am the creator. Fortunately, in your case, the destroyer too. Now, please, if you'll excuse me, I have work. देखो, I'm sorry about all this, लेकिन मेरी एक बात याद है, हम लोग म्यूजिक के बिजनेस में हैं, इमोशंस के हैं। मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत अच्छा गाते हो, यू आर रियली वेरी गुड, और कभी भी किसी भी वक्त तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुम्हारे माँ बाप की खबर सुन के मुझे बहुत दुख पहुंचा। जब कोई चला जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, उसके लिए नहीं जो चला गया, बल्कि अपने लिए, क्योंकि वो सहारा जो हमारे कमजोर वक्त में हमें थामता था अब नहीं रहा। और यही यातना की घड़ियां हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। अपने कमजोर वक्त को यूं ही मत गंवाना, अपने आप को ढूंढो। मैं तो कोशिश कर रही हूं। तुम्हारी आवाज में बहुत पीड़ा है, तुम चाहो तो सब कुछ खुल के कह सकती हो। मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान अपने लिए नहीं, इस हालात से कि जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। चेहरों पर पड़ते हैं
चेहरे की। आप बुरा मत मानिए, पर जो शूट आउट हुआ उसकी कुछ तस्वीरें खींची हैं। मैं जब फोटोग्राफ्स ले रही थी तब मैं यहाँ खड़ी थी और उस आदमी ने गोलियाँ वहाँ से चलाई उस पेड़ के पीछे से, और जिस लड़की ने मुझे रोकने की कोशिश की वो यहाँ बैठी थी, बिल्कुल यहाँ पे। तो इसका मतलब भूमिका में आता है, उसका अपना जीवन क्या है वो नहीं जानता, लेकिन उसकी पहचान उसके पात्र से ही हो पाती है। अगर ये नाटक है भजन करो, भजन कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ गुगी? आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? नहीं सॉरी काजल, आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नथिंग मच। हम लोग गए एक आलीशान ऑडिशन हॉल में, वहाँ पे मिस्टर श्यामा कृष्ण जी एक मज़ेदार चेयर पर बैठे हुए थे। पता नहीं किसी पेपर निकाला और ऐसे बैठे जिस पे लिखा था डॉन मडक्कुल किलर इमाम, इमाम आवर लीडर ऑफ द हॉस्पिटल, जो कि अब जेल में। He said that I know he's innocent. I know that you all are also innocent and you all are not the part of it. Lekin but is reputation ke saath hum log aapke saath kaise hands join kar sakte hain? This baat ye hai jab tak maafi aur uske sabab ke saath
श्याम अक्सर, तुम लोग तो रोड के कीड़े हो, तुम लोगों को तो मैंने चौपाटी से उठा के एक स्टार बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे लीडर ने सब फाड़ा फोड़ दी। लेकिन क्या इमाम के जेल पे रहने से इमाम की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं? आई नो इट इज नॉट अ मर्डर, यू नो इट, गूगली नो इट, लेकिन किस किस को बताते फिरेंगे कि इज नॉट अ मर्डर? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए तो? हम लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे, इतने सालों से लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे। हाँ बस लड़ते रहो, जिंदगी भर लड़ते रहो, हम करेंगे, हमें करना है। डोंट स्पीक लाइक अ पॉलिटिशियन। 3 महीने हुए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या किया तुम लोगों ने? सालों से लड़के फायदा क्या? अब तक तुमने क्या पाया? कुछ पाया? छोड़ भी नहीं देते हमारा बैंड को। बस आज मैंने हिम्मत हारा है, कल लायरा हिम्मत हार लेगी। So what? Band is going to stay? Someone else is going to come tomorrow and behave the same way I have behaved. Competition होने वाला था गोवा में। We practiced a lot for it. जान लड़ा दी। तुमने कहा जब तुम जा रही थी वो। गुगी तुम। इसके बाद क्या हुआ? अपना गाउस चलवा। क्यों? वही पुरानी राम कहानी। पैसे नहीं है। भाई क्या करें? एक चीज है जो शाम अपने कॉन्ट्रैक्ट पा रहा है, वो वापस दे सकता है। अगर काजल शाम फ्लाइट ना चुके, अगर काजल एक सुंदर शाम शाम के पास चली गई तो तब क्या बोला तू? बोला कैसे तू ये? हाँ बोला कैसे तू ये? समझता क्या ये अपने आपको? काजल डोंट पे एनी अटेंशन टू हिम। सही चीजों को तुम लोग लात मार देते हो, लेकिन जो गलत है वो जेल के बाहर तब आ सकता है जब तुम लोग के पास पैसा हो। और एक चीज याद करना गुगी, काजल और लायरा, पैसा ही वो है जो इमाम को बाहर निकालेगा, और कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का, और कुछ नहीं। वो ठीक है, कौन लॉयर इमाम का केस फाइट करेगा? कौन बचाएगा उसे? नहीं, मैं बचाऊंगा तुम्हें। अब तुम अकेले नहीं हो। आई एम योर लॉयर, और ये केस मैं तुम्हारे लिए फ्री में लड़ूंगा। ट्रस्ट मी, सब देखते रह जाएंगे और मैं तुम्हें बाहर से फ्री करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, ये नहीं कि ये मर्डर मैंने किया है या नहीं किया, मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं ये बात जानता हूं कि ये मर्डर तुमने किया। ऐसे क्या देखा? मैंने वकालत सिर्फ 4 साल पहले शुरू की, लेकिन मेरा परसेप्शन बहुत स्ट्रांग है, गॉड के। और अगर ये मर्डर तुमने किया भी है तो ये बात साबित नहीं हुई। हालांकि जिस हालात में तुम पकड़े गए और जो एविडेंसेस तुम्हारे खिलाफ हैं, उससे कोई भी गधा तुम्हें मर्डरर साबित कर देगा। और ये ऐसा वैसा केस नहीं है जिसे डेट्स दिलवा दिलवा कर 10-12 साल तक ठीक किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट मर्डर केस, इस शहर की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस। तमाम लोगों के करियर और नौकरियां दांव पे लगी और तुम इस बात को जानते नहीं हो, सबको मीडिया हीरो है। तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मां,
ये लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हें फांसी पर लटका दिया। तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। तुम किन लोगों के साथ काम करते हो, उनके नाम, उनके पते, और मेरा इस्तेमाल करके आपको क्या फायदा? मैं फिर आऊंगा, तब हम फायदे और नुकसान के बारे में